नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई पहाड़ी जनपदों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के दूरस्थ इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून समेत प्रदेश के अन्य मैदानी जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। आज प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज मंगलवार की बात करें तो देहरादून में पेट्रोल की कीमत 6 पैसे और डीजल की कीमत में 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 89.20 रुपये और डीजल 81.29 रुपये प्रति लीटर के दाम से बिक रहा है। उधर हरिद्वार में पेट्रोल के दाम में 6 पैसे और डीजल के दामों में 7 पैसे की कमी दर्ज की गई है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान चैत्र पूर्णिमा पर हरिद्वार महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान। आज सभी 13 अखाड़े प्रतीकात्मक रूप से हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड पर शाही स्नान करेंगे। कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज भी कर्फ्यू रहेगा। सोमवार शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक देहरादून जिले में कई इलाकों में कर्फ्यू रहेगा। देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम छावनी परिषद कड़ी कैंट क्लेमेंट टाउन में कर्फ्यू लगाने के बाद देहरादून जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश दिए हैं। नैनीताल में आज से कर्फ्यू। नैनीताल जिले में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने 3 मई तक हल्द्वानी, रामनगर और लाल कुआं क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। टनकपुर बनबसा में 1 सप्ताह का कर्फ्यू। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए भारत नेपाल सीमा से लगे टनकपुर बनबसा इलाके में भी 1 सप्ताह का कर्फ्यू लगाया गया है। आज दिखेगा सुपर पिंक मून। हनुमान जयंती के अवसर पर पूर्णिमा को निकलने वाला चंद्रमा सुपर पिंक मून कहलाएगा। आज शाम लगभग 7:09 पर पूर्व दिशा में जब चंद्रमा उदित होगा तो उसका आकार सामान्यतः पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना में बड़ा होगा और चमक भी अधिक होगी। यह खगोलीय घटना सुपर मून कहलाती है। यह इस साल का पहला सुपर मून होगा। IPL मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स का आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मुकाबला होगा। टीम अश्विन के बिना ही मैदान पर उतरेगी। हैदराबाद पर जीत दर्ज करके दिल्ली पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। देश में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। देश में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है। ऐसे में कोरोना से बिगड़ते हालातों का संज्ञान लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार को 4 बिंदुओं पर जवाब भी मांगा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी का कोरोना संक्रमण से निधन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। कोरोना के खिलाफ जंग में विदेशों ने बढ़ाए हाथ, भारत पहुँचने लगी मदद। भारत में लगातार कोरोना के मामले चिंता के सबब बन रहे हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर बात भी की। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि वह संकट के समय भारत की मदद करेगा। देहरादून जिले में यहां मिलेगा ऑक्सीजन, डीएम ने जारी की लिस्ट। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ोतरी के साथ मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता और खपत अधिक मात्रा के साथ ऑक्सीजन की मांग में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग को देखते हुए एजेंसी और सप्लायर का एड्रेस और नंबर जारी किया है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कोरोना काल में टैक्सी मैक्सी चालकों पर रोजी रोटी का संकट, सरकार से लगाई गुहार। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश का हाल बेहाल है। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। वहीं कोरोना से दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर टूरिज्म से जुड़े व्यवसायियों पर पड़ा है। कोरोना की वजह से टैक्सी मैक्सी संचालकों का कारोबार चौपट हो चुका है। टैक्सी मैक्सी संचालकों ने इस महामारी में 2 साल का टैक्स माफ करने की सरकार से अपील की है। कोरोना की वजह से प्रतीकात्मक रूप में होगा अंतिम शाही स्नान। आज महाकुंभ के चौथे और आखिरी शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़े गंगा में स्नान करेंगे। इसमें 7 सन्यासी अखाड़े और 3 वैरागी अखाड़े प्रतीकात्मक रूप से हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान करेंगे। कोरोना की वजह से आखिरी शाही स्नान प्रतीकात्मक रूप में होगा। उत्तराखंड में सोमवार को मिले 5,058 संक्रमित, 67 मरीजों की मौत। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 5,058 केस मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 39,031 पहुंच गया है। वहीं 67 लोगों की मौत हो गई है।
जबकि 1601 मरीज रिकवर हुए हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 156,859 पहुंच गया है, जबकि प्रदेश में अब तक 2,213 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 2,034 केस मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 1,002 पॉजिटिव मिले हैं। टीकाकरण के लिए 450 करोड़, कैबिनेट टीकाकरण के लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर। 4,079 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा विस्तार। सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में कोविड की रोकथाम के लिए 18 से 45 आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में ये संख्या करीब 50 लाख है। टीकाकरण पर लगभग 450 करोड़ का खर्च होगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। शादी से पहले दूल्हा कोरोना पॉजिटिव, ऑनलाइन हुई शादी, हर तरफ चर्चा। कोरोना काल में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में ही नहीं बल्कि कई रीति रिवाजों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ अल्मोड़ा के जैती में देखने को मिला। विवाह से ठीक पहले दूल्हा कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद शादी की पूरी रस्में ऑनलाइन कराई गई। हालांकि फेरे दूल्हे के नेगेटिव आने के बाद लेने का फैसला लिया गया। इसके बाद शादी की पूरी रस्में ऑनलाइन कराई गई हालांकि फेरे दूल्हे के नेगेटिव आने के बाद लेने का फैसला लिया गया। टिहरी नर्सिंग कॉलेज में कोरोना संक्रमित छात्रों का आंकड़ा पहुंचा 129, प्रिंसिपल करेंगे मॉनिटरिंग। सुर सिंह धार नर्सिंग कॉलेज के 129 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने पर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कॉलेज का निरीक्षण किया। डीएम ने कोरोना पॉजिटिव नर्सिंग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डीएम ने कॉलेज के प्रिंसिपल को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड का अनोखा मंदिर, यहां आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं पुजारी। सोमवार को चमोली जिले के देवाल विकासखंड के वाण गांव में स्थित सिद्धपीठ लाटू देवता मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पौराणिक लाटू देवता मंदिर अपनी कुछ खास मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां के कपाट पूजा अर्चना के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य भी हैं। यहां पूजा करने वाले पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा अर्चना करते हैं। कोरोना के बाद उत्तराखंड में महंगी बिजली, छुड़ाएगी पसीने, जानिए नए। कोरोना काल में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में बढ़ोतरी का झटका दिया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग की ओर से विद्युत दरों में 3.54% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा। पिथौरागढ़ के जंगल में देखा गया उड़ने वाली दुर्लभ लाल गिलहरी का जोड़ा। पिथौरागढ़ के फॉरेस्ट एरिया में उड़ने वाली हिमालयन लाल गिलहरी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। गारजिला गांव के जंगल में लाल गिलहरी का जोड़ा देखा गया। कोरोना काल में युवा समाज सेवियों ने बढ़ाई मदद के हाथ, जरूरतमंद तक पहुंचा रहे भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जहां शासन प्रशासन जरूरतमंदों तक हर तरह की मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वहीं राजधानी देहरादून के कुछ युवा समाज सेवियों ने भी कोरोना संक्रमितों और उनके परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। बता दें कि अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े ये युवा कोरोना काल में एकजुट होकर न सिर्फ कोरोना मरीजों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए अस्पतालों में बेड की व्यवस्था के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में भी शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टाटा सुमो और ऑटो से अवैध शराब बरामद की। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयार किया प्लान, नोडल अधिकारी किए तैनात। प्रदेश के साथ ही जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने ब्लॉक स्तर तक नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। डीएम की मौजूदगी में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक में कोरोना से निपटने का प्लान तैयार किया गया। इस दौरान तय हुआ कि गांव के स्तर तक कोरोना संक्रमितों की पहचान अनिवार्य की जाए। इसके अलावा गांव तक सैंपलिंग करने के साथ ही मेडिकल किट पहुंचाए जाने के भी डीएम ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कुंभ संपन्न होने से पहले अखाड़ों के 2 फाड़ बैरागियों ने भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन किया। हरिद्वार महाकुंभ आज अंतिम शाही स्नान के साथ ही संपन्न हो जाएगा। महाकुंभ संपन्न होने से ठीक एक दिन पहले वैष्णव संतों ने एक बड़ा निर्णय लिया और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग होने का ऐलान कर दिया। वैरागी अखाड़े ने अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन किया। श्री पंच दिगंबर अणि अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास नागरिया को नवगठित अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया, मानवता का दिया परिचय।
प्रदेश में कोरोना काल के दूसरे चरण को देखते हुए स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं उत्तरकाशी में पुलिस एक बार फिर से इस भयावह समय में अपनी ड्यूटी का निर्वहन भलीभांति कर रही है। वहीं ड्यूटी के दौरान पुलिस की मानवता की मिसाल बीते दिन देखने को मिली। एक गांव में युवक की मौत पर ग्रामीण कोविड संक्रमण के डर से शव को हाथ नहीं लगा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने पीपीई किट पहनकर कोविड गाइडलाइन के साथ मृतक का अंतिम संस्कार कर मानवता का परिचय दिया। हाईवे पर अचानक आया हाथियों का झुंड। हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर देशम हाथियों का झुंड अचानक से राहगीरों के साथ से थम गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गन्ना सेंटर चौकी पुलिस ने सड़क के दोनों ओर वाहनों को रोका और हाथी को सड़क के दूसरी ओर पार। खुशखबरी, कोरोना काल में किसानों को 75% अनुदान पर मिलेगा बीज। बागेश्वर में खरीफ की फसलों की बुआई के लिए 300 क्विंटल बीज पहुँच गया। इन बीजों को 47,000 से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। दूल्हे पर कोविड कर्फ्यू के उल्लंघन का केस दर्ज। रुड़की में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नाइट कर्फ्यू पर डीजीपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 22 शौपुरपारी के बाद फिर शुरू हवन अग्नि का सिलसिला। धधकने लगे जंगल। उत्तरकाशी के ज्ञान शू के समीप साल्ड रोड के जंगलों में फिर से आग लगनी शुरू हो गई है। चमोली में सोमवार को मिले 177 नए कोरोना पॉजिटिव। अकेले घाट विकास खंड में 57 मरीज मिले। चमोली के घाट विकास खंड में एक ही दिन में 57 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। घाट ब्लॉक मुख्यालय के ग्रामीण व्यापार संघ ने स्वयं 2 बजे बाद बाजार बंद का निर्णय लिया। बेरीनाग में शिक्षक समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। बेरीनाग में एक शिक्षक समेत 9 मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही 210 लोगों को आज सैंपल लिए गए। मसूरी में सोमवार को मिले 36 नए संक्रमित। 40 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। सोमवार को मसूरी में कोरोना के 36 केस मिले हैं, जिसके बाद मसूरी शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 350 पहुंच गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 40 लोगों को वैक्सीन लगाई। कर्फ्यू के दौरान इन कामों के लिए रहेगी छूट, डीएम ने दी जानकारी। सोमवार शाम 7 बजे से देहरादून के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी। तीरथ सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमित पत्रकारों की मदद के लिए नोडल अधिकारी तैनात। कोरोना संक्रमित पत्रकारों की सहायता के लिए सूचना विभाग के अधिकारी को बतौर नोडल अधिकारी तय किया गया है। उधम सिंह नगर में 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। 306 नए मरीज मिले। उधम सिंह नगर में सोमवार को 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जबकि 306 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है।